राजेंद्रनगर विधानसभा के उपचुनाव का बिगुल बज गया है। बीते दिन चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें उपचुनाव 23 जून को होना है। दिल्ली की राजेंद्रनगर सीट दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक है। तीनों पार्टियां पूरे दमखम से मैदान में उतरने को तैयार हैं। तीनों दलों की कोशिश सीट को अपने पाले में लाने की होगी। कांग्रेस का प्रयास दिल्ली में खाता खोलने का होगा तो भाजपा आम आदमी पार्टी के जादू को बेअसर करने की लात ठोकेगी। लगातार दो विधानसभा चुनाव से सीट को जीतती आ रही आम आदमी पार्टी एक बार फिर इस काबिज होने के लिए एडी चोट का जोर लगाएगी। आपको बता दें दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक रहे राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी। राघव चड्ढा अब संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए इस सीट पर 6 जून तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब तीन प्रमुख दल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।